फ्रेंड्स, हाउ आर यू, केम छो, कैसे हो, क्या बात है, कैसी चल रही चीजें। तो एक और नया ट्रेलर आया भीमा का, ये तेलुगु में है यार ट्रेलर, हिंदी में मैंने बहुत ढूंढा, हिंदी में मिला नहीं। इसमें गोपी चंद है, गोपी चंद का एक्शन काफी अच्छा रहता है, वैसे साउथ की तो सभी मूवीज का अच्छा एक्शन रहता है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं ट्रेलर में, ट्रेलर के बीच में बातें करते चलेंगे और एंड में देखते हैं कैसा क्या ट्रेलर है। होप्स हो कि हिंदी में भी इसका ट्रेलर जल्दी आ जाए, तो फिर हिंदी में भी अपन चेकआउट करेंगे और देखते हैं कैसा है। तो चलो चलते हैं। ये तो सिनेमेटोग्राफी अच्छी दिख रही है, स्टार्टिंग से ही कुछ मूवीज कैसे देख के लगता है ना, फाइटिंग सही रहेगी, सही रहेगा मूवी, वो वाला सीन लग रहा है। श्री महाविष्णुनि आरव अवतारम परशुरामुडु तन గండ్రగొడ్డలితో అనంత సాగరాన్ని వెనక్కి పంపి ఒక అద్భుతమైన నేలని సృష్టించాడు, అదే పరశురాముడి క్షేత్రం। అక్కడ ఆ పరశివుడే కొలువయ్యాడు। కొందరు రాక్షసులు తమ అహంకారంతో విర్రవీగుతున్నప్పుడు వాళ్ళ అంతుకోరి త్రినేత్రుడే కాలనేత్రుడై కరుణే చూపని ఓ బ్రహ్మ రాక్షసుడిని పంపాడు। ये अच्छा था, भैंस पे, भैंस की बुल था। నేను ఊచకోత మొదలు పెడితే ఈ ఊర్లో శ్మశానం కూడా సరిపోదు నా కోడక్క। డైలాగ్ మే సమయ గే జబ్ ఐసా కియా తో ये क्या हो रहा है, ये क्या तांत्रिक वांत्रिक बैठा है, जादू टोना भी है क्या। तो दोस्तों ये था ट्रेलर भीमा का। ट्रेलर बहुत सही था, देखने में भी सही था, तेलुगु में था तो थोड़ा सा वो हुआ कि डायलॉग समझ नहीं आए तो क्या बोल रहा था क्या नहीं, बड़ा मेन एक जो उसकी थीम है वो समझ में आ गई। अच्छा इसमें ये थोड़ा सा कुछ ऐसा समझ में आया कि वो जो परशुराम जी का जो वेपन था फरसा, वो शायद उसको लेके भी कुछ है थोड़ा सा। और एक पुलिस वाला भी दिखा बीच में, वो जादू टोने का वो तांत्रिक वाला भी सीन दिखाया, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। बट देखते हैं हिंदी ट्रेलर आएगा तो अपन उसको भी चेकआउट कर लेंगे फटाक से। तो ये वही है कि थिएटर नहीं है तो आप देख सकते हो, OTT पे आ जाएगा ये। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और कुछ पर्टिकुलर वीडियो पे आपको रिएक्शन या रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।